एन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं के जी एन खिलाफत न्यूज, मैं हूँ शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, आपको बता दें कि बीते कई दशकों से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में सियासत जिस तरह से हुई है धार्मिक मामलों को लेकर, और 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, और तब से लेकर अब तक कभी मॉब लिंचिंग तो कभी किसी मामले को लेकर एक विशेष समुदाय को हमेशा से टारगेट किया जाता रहा है। बीते दिनों बाराबंकी में एक धार्मिक स्थल को जिला प्रशासन ने ढहा दिया। अब एक मामला और निकल कर सामने आया है मुजफ्फरनगर का, जहां पर एक मस्जिद को गिराया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि उस मस्जिद को गिराए जाने के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया था, इसलिए स्थानीय लोगों ने खुद उसे गिरा दिया, जबकि तस्वीरों में देखा गया है कि एसडीएम और पुलिस दल वहां पर मौजूद था जिसके निर्देशन में उस निर्माण को गिराया जा रहा था। फिलहाल क्या मामला है पूरा, उस पर हमारे साथ मौजूद है अल इमाम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी साहब, हम उनसे सीधी बात जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला है। देखिए, 22 में इलेक्शन है, इलेक्शन के मद्देनज़र देखिए, या तो अगर मुल्की सतह पे इलेक्शन होता है तो सरहदें गर्म हो जाती हैं, वहाँ डिस्प्यूट हो रहा आने लगता है, और जब राज्यों में होता है तो वहाँ के जो है डिस्प्यूट सामने लाए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, और ये इसी तर्ज पे हम इसको देखते हैं कि 22 में आने वाले इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम की भावनाओं से तमाम और मुद्दे जो हैं, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे एजुकेशन इशू हो, ये तमाम को दबा दिया जाए और लोग इसी तीन मुद्दों में पढ़कर जो है हुकूमत को जो है चुने और फिर अपने 5 साल जो है फिर तड़प तड़प करके जिए। बहुत सारे ऐसे मामले हो रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर, मामलिंची को लेकर, तमाम ऐसे मामले आए, कभी फैसल तो कभी कोई शिकार बन रहा है। सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की तरफ से और ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ से जो शिथिलता देखी जा रही है, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं आ रहा है सामने, उस पर भी कर रहा है। जितनी भी मस्जिदें हैं वो वक्फ होती हैं, लिहाजा वक्फ बोर्ड बनाया इसीलिए गया है कि हमारी वक्फ संपत्ति को जो है वो सजो के रखे, उनकी प्रोटेक्शन करे, लेकिन जब अगर वो उसी में नाकामयाब हुआ जा रहा है तो ऐसे वक्फ बोर्ड का क्या फ़ायदा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के मेंबरों को रिज़ाइन कर देना चाहिए और कह देना चाहिए कि हमारे जो है इतने दांत नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ कोई बात कह सकते हैं या हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आके एक एक केस कर देना, बाबरी मस्जिद में लोगों ने देख लिया किस तरीके से क्या हुआ, कोर्ट ने सारी चीज़ें मानी कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी, फिर भी जो है वो वहाँ मस्जिद बना दी, वो मंदिर बना दिया जाता है क्योंकि बड़े बहुसंख्यक की भावनाओं को देखते हुए वहाँ मंदिर बन गया। उसके बाद जो अल्पसंख्यक की भावनाएं, कोई भावनाएं नहीं रह गई, ठीक है। हम जो है सब्र करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये जो है देश का जो कानून है उस कानून का पालन करेंगे, ठीक। वही उसी देश में एक कानून जो है दो लोग पे दो तरीके से अप्लाई हो रहा है। अगर कोई ये अभी जो कोई हाल में एक गोमती नगर में भी ऐसी कांड हुआ था कि पुलिस की जाती से एक युवक की जो है जान चली गई थी, तो उसको 1 करोड़ रुपए मिल गए थे, उसकी बीवी को जो है नौकरी भी दे दी गई थी और बड़ा मीडिया में चला था। अभी उन्नाव में जो है एक शख्स मुसलमान मार दिया जाता है और उसके ऊपर कोई कुछ बात नहीं होती है, कोई उसको उसके परिवार को कुछ नहीं दिया जाता। क्या एक क्या व्यवस्था है कि जो मर्जी आएगी वो हम करेंगे? ये देश संविधान से चलेगा, ये कानून से चलेगा, या हमारी ये इच्छा अनुसार चलेगा कि हम जो चाहेंगे हम बात चाहें, हमारा इंक्लाइन जो है एक मजहब की तरफ है तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे, दूसरे को प्रताड़ना करेंगे, तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। हम डेमोक्रेसी, हम इस देश से मोहब्बत करने वाले हैं, संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं, तो संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हैं चाहे संवैधानिक संस्थाएं, उनको अब ये अपने अंदर जो है गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि आप इस देश को मजबूत नहीं, इस देश को कमज़ोर बना रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।